शुक्रवार की रात हिंगनघाट शहर में खामला नागपुर से साइकिल से आए हिंगनघाट निवासी मोहित आर्य, इसको पुलिस ने रिमडो परिसर में पूछताछ करके अपने कब्जे में लिया। तब हिंगनघाट शहर में अफवाह का बाजार चल रहा है। तब उनके चाचा सोनू और प्रदीप आर्य, पत्रकार संघ का उपाध्यक्ष हिंगनघाट, इनसे इस बारे में सविस्तर बातचीत की। उन्होंने इसका खंडन करते हुए यह सब कोरोना वायरस के बारे में जो अफवाह चल रही है उस पर ध्यान नहीं देने को बोला है। आइए देखते हैं क्या कहा प्रदीप आर्य इन्होंने। मैं प्रदीप उर्फ सोनू आर्य आज आपको सविस्तर में ये जानकारी देता हूँ कि कल रात को हिंगनघाट शहर खामला नागपुर से जो बच्चा आया वो मेरा रिश्तेदार है, भतीजा है। कल तकरीबन 8:30 बजे रात को पुलिस ने उसे रिमडो परिसर में रोककर उससे पूछताछ की और वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि ये बच्चा आपका कौन लगता है। मैंने उनसे कहा कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा भतीजा है। वो बच्चा घबरा गया था। उसके बाद उसे दवाखाने ले जाया गया, वहाँ पर उसकी जाँच की गई, उसमें फ़िलहाल कोरोना के कोई लक्षण पाए नहीं गए। उस बच्चे को 14 दिन के क्वारंटाइन पे उसके घर पर निगरानी में रखा गया है। मित्रों, हिंगनघाट में इससे पहले भी 3 से 4 केस इस प्रकार के हो चुके हैं, परंतु नगर परिषद प्रशासन ने आनन फानन में कल आकर जो लाउड स्पीकर पे लोगों को जानकारी दी बच्चे के विषय में, तो हिंगनघाट की जनता में संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य लगा कि बिगर कोई प्लानिंग किए ये ऐसा अनाउंसमेंट करने का क्या तथ्य है। बच्चा अपने घर में है, उसका क्वारंटाइन शुरू है, डॉक्टर 3 टाइम उसकी जांच कर रहे हैं। आपसे मैं जाहिर आह्वान करता हूं कि आप अफवाह पे न जाए, पैनिक न हो और अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।